दोस्तों, मैं हूं पंडित दौड़ाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आपको एक फार्मूला बताने के लिए आया हूं जिसका नाम है त्रिषडाद्यम लोह। यह स्थौलता को नाश करने वाला, प्रमेह को नाश करने वाला, विशिष्ट अग्नि को संपादन करने वाला और दीपन पाचन करके जाठर अग्नि को मजबूत करने वाला, शरीर में रसाग्नि और धात्वाग्नि विशेष करके मांस अग्नि और रसाग्नि को मजबूत करने वाला, प्रदीप्त करने वाला और आपके शरीर में जो स्थौल्यपन यानी जो मोटापा है उसको समाप्त करने वाला, ये बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। यदि आप आयुर्वेदिक जिज्ञासाओं को रखते हैं, यदि आप आयुर्वेदिक वैद्य हो तो निश्चित यह फॉर्मुलेशन आप नोट करके रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं, यदि आप हमारे कोई पेशेंट हो, आप जिज्ञासावश आयुर्वेदिक दवाइयों का नोट करके आप रखते हैं तो इसे आप जरूर नोट करिए। आपको यह सारे जड़ी बूटी आसानी से बाजार में मिल जाती है, इसका निर्माण करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप मुझे इस दवाई निर्माण के लिए बता भी सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको ये दवाई कैसे कैसे तैयार करना, यहाँ पर डालने वाली दवाई किस तरह से दिखता है वो मैं सभी आपको बताऊंगा, दवाई को कैसे प्रयोग करना वो भी बताऊंगा। पहले आइए जरा उन श्लोक को बताते हैं जो श्लोक में इस फार्मूला के बारे में बताया, क्योंकि यह एक शास्त्रीय घटक है, यानी कि आयुर्वेद के जो दिव्य ग्रंथ है वहां से निकाला हुआ यह फॉर्मुलेशन है। ये मुझे बहुत बताना इसीलिए जरूरी लगा क्योंकि इसका प्रयोग हमने किया है, करने के बाद रोगी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस फॉर्मुलेशन को खुशी से बताने का एक यह भी कारण है क्योंकि बहुत सारे लोग जो मोटापे से ग्रस्त है उन्हें खाने पीने के बड़े वो शौकीन होते हैं, परहेज करने में उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, तो यह फॉर्मुलेशन ऐसा है कि अगर आप कोई किसी तरह के परहेज नहीं भी करते तो भी इसके निर्माण करके अगर इसका आप सेवन प्रतिदिवस करते हैं तो बिन परहेज भी काम करने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चमत्कारी यह एक दवाई है। तो आइए जरा सबसे पहले सुनते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, त्रिषणम विजयाचव्यम चित्रकम विडमौद्भिकम बाकुची सिंधवश्यैव सौवर्चल समन्वितम् अयश्चूर्णेन संयुक्तम् बाक्षयेन मधुसर्पिषा स्थौल्यपकर्षणम् श्रेष्ठम् बलबरडानिवर्धनम् मेहग्नम् कुष्ठशमनम् सर्वव्याधिहरम् परम् नाहारे यंत्रणा कार्यम् न विहारे तथैव च त्रिषडाद्यमिदं लौहम् रसायन बरोत्तमम् इदं बरोत्तमं रसायनं लोहं। यह लोह प्रकरण का अति उत्तम रसायन के नाम से यह विख्यात है। बड़े बड़े जो आयुर्वेदज्ञ वैद्य इस प्रयोग को करके अपना काम चलाते हैं, अपने पास आए हुए जो स्थौल्यता वाले जो रोगी है उनको यह दवाई दे करके उनके मन को और शरीर को संतुष्ट ये लोग करते हैं। तो इसमें डलने वाले घटक द्रव्य क्या है? सबसे पहले सौंठ, मिर्च यानी काली मिर्च, पिपली, भांग, चव्य, चीता, बीड नमक, औद्भिक नमक, काली जीरी, सेंधा नमक, सौंचर नमक, प्रत्येक इन द्रव्यों का समभाग यानी बराबर मात्रा में लेकर के अच्छी तरह से चूर्ण बनाना है। कपड़ छान बढ़िया सा चूर्ण बना के अच्छी तरह से इसको खरल में डाल के गोटा मारने के बाद इन सभी के समान वजन, कितना वजन है उसको तोलना है और उतना ही वजन आपने एक किसी अच्छे फार्मेसी का लौह भस्म डाल करके इसमें आपने खरल करना है और खरल करते 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 काफ़ी समय तक खरल करने के बाद इनको आपने डिब्बे में संभाल करके रखना है। उसके बाद रोगी को सुबह और शाम को भोजन करने से पहले तीन तीन रत्ती आपने शहद में मिला करके देना है। अगर रोगी का शरीर कफ प्रकृति वाला है तो शहद में मिला के, अगर वायु प्रकृति है तो उनको घी में मिला करके इस दवाई का सेवन करना है। इस दवाई के सेवन के साथ साथ अगर आप पंचकोल क्वाथ का भी सेवन अगर आप कराते हो, पंचकोल क्वाथ, पंचकोल चूर्ण को लगा लीजिए कि एक चम्मच पंचकोल का चूर्ण और कम से कम एक गिलास पानी में डाल के उबालना है, पानी आधा गिलास तक बचे तो उसको छान करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के पीना है।
इसको सुबह और शाम करना है अपने भोजन करने से पहले। खाने में थोड़ा सा अगर आप हल्का फुल्का भोजन करेंगे, कफ कारक चीजें नहीं खाएंगे, अच्छी बात है। हालांकि जो त्रिषडाद्य लो हम जो बताया है ग्रंथ में, किसी प्रकार के भी अगर आप परहेज भी नहीं करते तो भी ये दवाई अच्छा काम करता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप परहेज करते, परहेज इसीलिए क्योंकि परहेज का मतलब क्या है कि कफ कारक पदार्थों का अगर आप भोजन कर रहे हो और मोटापा यानी स्थूलता जो है वो कफ के ही वजह से होता है, तो दवाई काम तो जरूर करेगा, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते यानी कफ कारक भोजन का त्याग नहीं करते, वो ऐसा जो गुरु गुण वाला हो, गरिष्ठ भोजन अगर आप त्याग नहीं करते तो दवाई थोड़ा धीमा धीमा काम करेगा। अगर दवाई से पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ समय तक कुछ परहेज करके देख लो और पंचकोल काढ़े का इस्तेमाल करके देख लो। त्रिफला गुग्गल बोलते हैं, मांस धातु में अच्छा काम करता है, मांस वृद्धि हुआ है मांस धातु अग्नि की कमजोरी के वजह से, तो त्रिफला गुग्गल का प्रयोग भी बिल्कुल करना चाहिए, बहुत जबरदस्त दवाई है। अगर इसे आप खुद बनाते हो ना त्रिफला गुग्गल, तब तो क्या नहीं क्या दोस्तों, बहुत जबरदस्त दवाई है आपका बनेगा। एक दवाई है काचनार गुग्गल, काचनार गुग्गल भी अगर आप खुद बनाते हो तो काचनार गुग्गल भी जबरदस्त फायदा करेगा यहाँ पर मोटापे में। हालांकि त्रिफला गुग्गल पंचकोल का काढ़ा और यह जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला भैया बताया त्रिषडाद्यम लोहम, इन तीन दवाइयों को अगर आप किसी भी रोगी के शरीर में डाल देते हो तो वो कैसा भी मोटा आदमी या लेडीज क्यों ना हो, उसके शरीर के मोटापा जरूर कम होगा, यह निश्चित बात है। लेकिन रोगी दवाई खाने वाले होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तीन दिन दवाई खाई या चौथे दिन फिर छोड़ दिया, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, शरीर में पहले थोड़ा या तो लूज मोशन भी हो सकता है, दवाई है ना आयुर्वेदिक दवाई में, यही तो एक खासियत है, वो शरीर में जाते ही तीन चार दिन के बाद अपना रूप रंग दिखाना शुरू करता है, तो रोगी को लगता है कि अगर अविश्वास से भरा हुआ रोगी होगा तो वो थोड़ा सा फिर हड़बड़ा करके ना दवाई छोड़ देता है, फिर कोसने लगता है ना वैद्यों को डॉक्टरों को, तो ऐसा नहीं, आप कंटिन्यू खाइए। अगर कॉन्स्टिपेशन टाइप का कुछ होता है, अगर आपको लूज मोशन टाइप का भी कुछ होता है, थोड़ा सा अगर अनकंफर्टेबल फील हो रही है आपको, तो आप बात कीजिए वैद्य से डॉक्टर से और उसके बाद उसमें कुछ सहायक ऐसे औषधि लीजिए जो कि आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखा रहा है, तो उस सिम्टम्स को न दिखे उस हेतु के लिए अगर आप कोई दवाइयों के साथ अगर आप इन दवाइयों के प्रयोग करते तो निश्चित आपकी जो स्थूल्यता है वो कम हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद में हजारों स्थूल्यता के लिए आयुर्वेदिक दवाई बताया गया, जैसे आप आरोग्य वर्धिनी भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे दवाइयां हैं, लेकिन ये तीन दवाई मैंने देखा इसका अच्छा रिस्पॉन्स अगर आप किसी एक व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि दवाइयां है तो बहुत किस किस के ऊपर आप प्रयोग करते हैं। एक चीज भी आपको बताऊं, अगर आप वैद्य हो तो कोई किसी एक रोग के लिए ना आपने कोई दो चार ही दवाइयों को आपने देखना है, चयन करना है, उन दवाइयों के ऊपर गहन अध्ययन करनी है आपने, उस दवाइयों का प्रभाव कहाँ तक जाता है, कहाँ जाके रुक जाता है, किन परिस्थितियों में वो दवाई हानि करता है, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करिए। उसके बाद अपने उस रोग से संबंधित कोई भी रोगी आ जाए, बस उस रोगी के लिए वो चार पांच जड़ी बूटी से ही मिला करके एक आगे और पीछे करके आपने देना है, तब देखना रिजल्ट और रिस्पॉन्स कितना अच्छा आता है। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा, आने वाले समय में मैं आपको नाड़ी परीक्षण से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना करके जरूर डालने वाला हूं और डालता रहूंगा। मुझे आज दीजिए विदा, जय श्री राम।